जबलपुर जिले के गोसलपुर थाना अंतर्गत 23 नवंबर को बुढ़ागर में ढाबा संचालक की गोली मारकर हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में आ गया है, जबकि एक अन्य फरार है जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। वहीं एएसपी रायसिंह नरवरिया ने बताया कि घटना के पश्चात आरोपी द्वारा भागने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि ऋषभ ढाबा संचालक से 2 लाख की मांग की थी, लेकिन रकम नहीं मिलने के कारण उसने हत्या कर दी थी। गोसलपुर थाना प्रभारी सुश्री सारिका पांडे ने बताया कि मामले की जांच में पाया गया कि ढाबा संचालक ऋषि असाठी पिता पुरुषोत्तम असाठी निवासी गांधीग्राम को ऋषभ शर्मा द्वारा पूर्व से रुपए की मांग को लेकर सुनियोजित तरीके से 23 नवंबर की मध्य रात्रि ऋषभ शर्मा एवं एक अन्य साथी द्वारा ऋषि के सिर पर गोली मारकर हत्या कर घटना के बाद तीसरे साथी अंचल नामदेव की मदद से फरार हो गया था। शक की बुनियाद पर पुलिस ने अंचल नामदेव को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की तो अंचल नामदेव ने बताया कि ऋषभ शर्मा से 2 माह पहले एक पिस्टल एवं 6 कारतूस 35,000 रुपए में खरीदना बताई एवं उक्त खरीदी हुई पिस्टल ऋषभ द्वारा दिवाली के बाद ढाबा संचालक को मारने के लिए ले लेना बताया। बहरहाल पुलिस फरार ऋषभ शर्मा एवं उसके एक अन्य साथी की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई हैं, जिनके द्वारा हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। थाना गोसलपुर में 23-24 की दरमियानी रात्रि में लगभग 12 बजे के इसी एसआरटी को लड़के ने जो है गोली मारी थी। पैसे के बारे में पता चल रहा था कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है और मार के वहाँ से फरार हो गया था। हमने टेक्निकल एविडेंस और जो लोगों से पूछताछ के बारे में ज्ञात किया कि वो ऋषभ शर्मा वहीं का निवासी है, उसी मोहल्ले में उसके घर के पीछे रहता है और उसके कुछ साथी हैं जो घटना को अंजाम दिए हैं। उसमें प्रारंभिक जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं उसमें ये था कि ये आवारा किस्म का है। पूर्व में ऋषभ शर्मा या नागर में पकड़ा गया है और घर से बाहर रहता है। ज़्यादातर जो है उसके अपराधियों से और जो नशा पत्ती करते हैं उनसे संपर्क है। वो घटना के दौरान की रात्रि को भी वहाँ देखा गया है और अपने घर से वो उसी दिन रात्रि को घटना करने से पहले आउट हुआ है। इससे पहले अपने घर पर ही था। अपने उसके साथियों ने बताया कि वो इस तरीके से प्लान कर रहा था कि इसको चमकाना है, मारना है। उसके आधार पर हम लोगों ने पता किया, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं उसमें। फिलहाल उसका जो इसमें पूरी घटना में षड्यंत्रकर्ता के रूप में जो उसको हथियार दिया, जो उसको वहाँ घटनास्थल से या शहर में गाड़ी दे करके अपनी गाड़ी से लेने गया रात के लगभग 1 बजे, तो वो जो है रेलवे स्टेशन पर उसको बिठाला यहाँ से। अंचल नामदेव करके एक लड़का है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये नई बस्ती यहाँ का गोहलपुर का रहने वाला है और ये घटना दिनांक को ही हम घटना के पहले भी उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड सर्कल में था और उसके द्वारा जो प्लानिंग बनाई गई हर घटना की पल पल की इसको जानकारी थी। रात्रि में जब वो आया तो इसके द्वारा वहाँ से उनको पूरा लिया गया, जहाँ मोटरसाइकिल उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई थी वो छोड़ी है। वो मोटरसाइकिल इसकी नशादेही पे जब्त हुई है जहाँ आरोपीगण छोड़ के गए थे और जो गाड़ी इसने अपने उनको रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए यूज़ की थी वो सब हम लोगों ने जो है उसको जब्त किया है। और प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि जो हथियार घटना प्रयुक्त हुआ है वो भी इसी के द्वारा दिया गया है। ये बाकी जो आरोपी हैं उनका कुछ दोनों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जहाँ वो जो है रुक रहे हैं जा रहे हैं उसके पीछे हमारी पार्टियां पूरी तलाश कर रही हैं, देख रही हैं और जो भी लड़के उनसे संपर्क में हैं उन पर भी हमारी नज़र है। पूरे जो है उसके फेसबुक और व्हाट्सएप में जो लोग लड़के जुड़े हुए हैं वो निरंतर कहीं ना कहीं से इनके कांटेक्ट में होकर के, ये भी लड़का काफ़ी हद तक पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था घटना के पूर्व की और घटना के बाद की भी, तो ये सब चीज़ें हमने जो है इसमें जब्त की हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। शेष दोनों आरोपी जो और हैं इस घटना में थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।